तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, ये गेहूं की क्रॉप है, गेहूं की फसल है, जो कि एक रबी क्रॉप है। और अगर हम इसके ये इसकी बालियां हैं, इसके बालियों में ही गेहूं होता है। अगर इसको हम निकालें तो इस तरीके से हमको जो है ये यहाँ पे गेहूं का दाना जो है दिखेगा। ये गेहूं का दाना यहाँ दिख रहा है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हार्वेस्टिंग का सीजन है। अभी ये इस तरीके से सिकल से या हंसिए से जो है कटाई हो रही है। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको ये बताना कि हार्वेस्टिंग कैसे होती है। ये दूर दूर तक आपको गेहूं की फसल ही नजर आएगी, जो अप्रैल में इसकी कटाई होती है और ये नवंबर, अक्टूबर नवंबर में ये बोया जाता है। तो ये एक रबी फसल है। तो यहाँ पे आप गेहूं की हार्वेस्टिंग का जो है वीडियो देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से गेहूं को जो है मशीन में एक तरफ से डाला जा रहा है और दूसरी तरफ से जो है इसका भूसा जो है उड़ रहा है। यहाँ से जो है गेहूं देखते हुए आप देख सकते हैं, और इधर से ये भूसा दूसरी तरफ ये अलग हो जा रहा है। तो ये जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गेहूं की हार्वेस्टिंग जो है किस तरीके से इसका प्रोसेस क्या है, सॉरी थ्रेसिंग का। इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग बोलते हैं। उम्मीद है आप थ्रेसिंग समझ गए होंगे, ये हार्वेस्टिंग का ही एक पार्ट है।